ग्वालियर में कोरोना कर्फ्यू के ठीक एक दिन पहले ग्वालियर बाड़े पर खरीदारी करने भारी भीड़ उमड़ी, जिसके चलते कोरोना गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आईं। इस बीच लोगों के मन में कोरोना का डर कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। मार्केट में बढ़ती भीड़ का जायजा लिया हमारे संवाददाता चेतन सेठ ने। ग्वालियर जिले में लगातार कोरोना संक्रमण अपने पैर पसारता जा रहा है और प्रतिदिन लगभग संख्या 700 के पार जिले में पहुंच गई है। इस वक्त हम ग्वालियर के व्यावसायिक स्थल महाराजा बाड़े पर मौजूद हैं और यहां पर तमाम भीड़ दिखाने का मैं आपको प्रयास करता हूं। तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन की प्रशासन लगातार दावे और वादे कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है। कल सुबह 6 बजे से 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू ग्वालियर ज़िले में लग जाएगा, लेकिन उसके पहले की तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, सामान की खरीदारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं ग्वालियर शहर में। और तमाम तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ट्रैफिक व्यवस्था की हालात आप देख सकते हैं कि क्या हालात है। चप्पे चप्पे पर ग्वालियर में सभी जो चौराहे हैं वहाँ पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, लेकिन ग्वालियर शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाने का प्रशासन ने निर्णय लिया है। और उससे ठीक पहले यानी कि आज एक दिन पहले लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, किराने का दुकान, राशन का दुकान, जूते चप्पल का दुकान, कपड़े की दुकान पर लोग पहुँच रहे हैं और अपनी खरीदारी कर रहे हैं। लोगों में एक डर और एक भय उठ गया है कि अब कोरोना का जो कर्फ्यू है अभी 7 दिन का लगाया है और प्रशासन इसको आगे भी बढ़ा सकता है, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस तरह का डर है और इसी डर के कारण लोग आज सड़कों पर उतर रहे हैं, बाजार मार्केट में लगातार घूम रहे हैं और अपनी जो खरीददारी है वो यहाँ पर पहुँच कर कर रहे हैं। और यही कारण है कि एक साथ जब पूरे लोगों का परिवार साथ में टूट पड़ा, कोरोना काल में सभी लोग घर से बाहर निकल पड़े, जिसके चलते अब भीड़ कहीं ना कहीं यहाँ देखी जा रही है। पूरे शहर भर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है चरमरा गई है। महाराजा बाड़े के हालात हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी संख्या में, भारी संख्या में लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। कई लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, मास्क भी लगाए हुए हैं, लेकिन अधिक ज़्यादा लोग 50% से ज़्यादा लोग इसमें बिना मास्क के देखे जा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल की सोशल डिस्टेंसिंग की जो फिजिकल डिस्टेंसिंग धज्जियाँ की बात कर रहे हैं यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। और यही कारण है कि प्रशासन को कोरोना रोकना एक बड़ा चुनौती है और इसी के चलते प्रशासन ने 7 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया है। और फिर कल से 7 दिन का यानी कि 15 तारीख सुबह 6 बजे से 22 तक कोरोना कर्फ्यू ग्वालियर में लग जाएगा। उससे पहले लोगों घर से बाहर निकले उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। चेतन सेठ, इंडिया न्यूज़।